बैक टू माई अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और यांश मेरे साथ यहाँ पे है और यांश मेरी हेल्प कर रहा है मशीन में कपड़े डालने के लिए, क्योंकि मशीन लगाऊंगी। यार जालो और सब फेंको, ऐसे फेंकते हैं सब डाल दो। यार सो गुड बॉय है, मम्मा की हेल्प कर लेते हैं। वेरी गुड प्रियांश, वेल डन। अब इसको स्टार्ट करेंगे, नहीं पहले इसको देखो क्या करते हैं। पहले हम यहाँ से ऑन करेंगे, पहले हम यहाँ से वाटर टैप खोलेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे, फिर हम इसको फिर हम वाटर का सिलेक्ट करेंगे, वाटर लेवल इधर स्टार्ट। हाँ करो, थ्री पे रखेंगे, ठीक है, फिर हम कर देंगे स्टार्ट। कैसे? हाँ अब देखो पानी आएगा। आ गया, हाय फाय रियांश, वेरी गुड। अब बस अब मशीन में कपड़े धुलेंगे, मम्मा सर्फ डालेगी, है ना? क्या सर्फ नहीं डालेंगे? कांगिया कांगिया कांगिया, ये राम इसको इसको डालेंगे हम। मैं डालूं एक ढक्कन, मैं डालूं, ये लो। बस ये आप वहां डाल दो आराम से, डाल दो। वेरी गुड, अब ऐसे कपड़े धुल जाएंगे। हाँ। थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे ना, नहीं नहीं आप इसमें हाथ में डालो, करंट डाल सकता है, पता है मम्मा तो बड़ी है ना। चलो हो गया, अब मम्मा इसको बंद कर देगी। अब ये कपड़े 28 मिनट्स में धुल के बाहर आ जाएंगे, ठीक है रियाज? चलो आइसक्रीम बनाते हैं। हाँ। यहाँ पे रियाज मुझसे जिद कर रहा है कि मम्मा आइसक्रीम बनानी है, तो उसको इन क्यूब को हटा दो सबको। रुको एक डोंगा निकालते हैं और उसमें सारी आइस पलट देते हैं, है ना? पानी डाल दो, पापा को भी खिलाऊंगा, दादी को खिलाऊंगा, बहन को खिलाऊंगा। दूध कभी खिलाएंगे ना? दूध अच्छा ही नहीं है। कौन बोलता है आपको ये दूध अच्छा नहीं है? सारे निकाल दी। बस अब हम क्या करेंगे? पहले चॉकलेट बनाएंगे। चॉकलेट नहीं, सुनो रसना वाला वो बनाएंगे, ठीक है? इसको हम एक ग्लास में बनाते हैं, फिर ये वाला पानी हम इसमें डाल देंगे और उसको फ्रीजर में रख देंगे, ठीक है? चॉकलेट बन जाएगा। हाँ फिर पापा को खिलाएंगे, चॉकलेट नहीं आइसक्रीम। हाँ फिर दादी को खिलाएंगे ना। हाँ चाहिए स्पून? हाँ चाहिए मेरे को। देखते हैं कैसा बनेगा, ठीक है रियांश? हाँ बिगाड़ से बनेगा अच्छा तो। हाँ टेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा और डालना पड़ेगा। अच्छा नहीं है? अच्छा है पर जल्दी से डालो। गुडू की आपने कहाँ देखा ये आइसक्रीम का? गुडू वीडियो पे देखा। वीडियो पे? हाँ। वीडियो पे सब चीजें देखते रहते हो? हाँ। थोड़ा कलरिंग करेंगे आज, ठीक है? जैसे आप करते हो ना प्यारा प्यारा कलर। अब हम क्या करेंगे? डालो। रखो रखो यहीं पे रखो, यहीं पे रखो, यहाँ रखो गुड्डू। देखो ऐसे इसको भर देंगे। ओए अरे बाप रे, छोटे है ना ये रियांश? हाँ आ तो पा रहे, फिर पापा खुश हो जाएंगे। हाँ हैप्पी हो जाएंगे।
फ्रिज में कैसे रखेंगे? फ्रिज में कैसे रखेंगे? अब देखना पड़ेगा फ्रिज में कैसे रखें। एक मिनट रुको। रियांश की आइसक्रीम गिर रही है, यहाँ पे हमने रियांश की आइसक्रीम रख दी और अब ये आइसक्रीम थोड़ी देर में हम चेक करेंगे तो आइसक्रीम बन जाएगी। ठीक है रियांश? हाँ, सबको खिलाएंगे। ठीक है, मामू को भी खिलाएंगे, नानी को भी खिलाएंगे। यहाँ पे रियांश की आइसक्रीम बना दी क्योंकि रियांश ने, रियांश को पता नहीं आज सुबह से ही ये था कि मम्मा आइसक्रीम बनानी है, आइसक्रीम बनानी है। उसने कोई वीडियो देखी होगी ना तो बस उसको आइसक्रीम बनाने का चस्का था। आज क्यों लेट ना गुड्डू? अब तो नाश्ते का टाइम हो गया है। रियांश क्या खाएगा? जी ब्रेकफास्ट में कोई आइसक्रीम थोड़ा खाते हैं। क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में? जल्दी बताओ। अच्छा बताओ, सैंडविच खाओगे, दलिया खाओगे या पनीर परांठा? नहीं सैंडविच नहीं, पनीर परांठा बनाती हूँ। सैंडविच खाओगे? पक्का? प्रॉमिस? चलो फिर अब हम फ्रेंच सैंडविच बनाते हैं। यिप्पी! हाय फाय रियांश, हाय फाय गुड्डू। रियांश किसका फेवरेट है, मम्मा का पापा का? दोनों दोनों का। अच्छा जी, अच्छा जी, मेरा फेवरेट है रियांश, तो मेरा गुड्डू है। आज हम कलरिंग करेंगे, कलरिंग करेंगे और क्या करेंगे हम, थोड़ा सा हम ABCD पढ़ लेंगे। रियांश को तो सारी आती है ना रियांश, देखा बच्चे पढ़ाई के नाम पे कैसे भागते हैं। और स्पेशली ये रियांश, इसको तो ये है कि बस पढ़ाई ना करना पड़े। और स्कूल के तो अभी वेकेशन स्टार्ट हो ही गए हैं क्योंकि हीट वेव इतनी थी। वैसे तो आज से स्टार्ट होने थे इसके वेकेशंस, बट लास्ट वीक से ही चालू हो गए क्योंकि हीट वेव इतनी ज़्यादा यहाँ पे है ना, तो ऑर्डर्स आए होंगे गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई बच्चों का स्कूल अभी वेकेशन स्टार्ट कर दो, अर्ली वेकेशन कर दो। अर्ली क्या, सबके तो हो ही गए थे, एक आध स्कूल के थे जो नहीं, थोड़ा लेट हो रहे थे, बट उनके भी फिर उसी टाइम पे करती हैं। बेटा मिक्स करके फिर आपका गला खराब हो जाएगा। अभी इसको ठंडा पानी पीने की आदत पड़ेगी तो क्या, अभी क्या है ना वो गर्म पानी नहीं पिया जा रहा, उसे प्यास नहीं बुझ रही, तो इसको ये कहता है मम्मा ठंडा और गर्म पानी मिक्स करके मुझे दे दो, है ना रियांश? आ जाओ पानी दूं मैं आपको। कम क्या कर रहे हो? अभी बाहर चलते हैं ना, फिर बाहर मैं आपके लिए सैंडविच भी बना दूंगी। ठीक है, दीदी पोछा लगा रही है, फिर हम सैंडविच खा लेंगे। मेरे ऑफिस का काम भी स्टार्ट, तो देखो रियांश के इसमें कितना सामान है, सारा रियांश का। इसमें खाली मेरा एक चार्जर है लैपटॉप का, बाकी सब रियांश की खेलने की चीजें, इतना भंडार है, उससे ज्यादा है बल्कि। हर ड्रॉर्स में मिलेगा, इस ड्रॉर्स में भी देखो आप, इसमें भी होगा इसका और उस ड्रॉर्स में भी है, वहां भी रखा हुआ उस ड्रॉर्स में, दोनों ड्रॉर्स में ऊपर नीचे उसके वो है गाड़ियां वाड़ियां। सो मैं सोच रही लैपटॉप को चार्ज पर लगा देती हूँ, फिर रियांश के लिए ब्रेकफास्ट बना दूंगी। मेरे कबूतर वेट कर रहे हैं दाने के लिए, तो थोड़ा दाना उनको दे आते हैं। एक मिनट, इनका पानी भी रखना है, ये बैठा हुआ एक तो हटे जाओ। यही जगह मिलती है मुझे डालने के लिए ना, क्योंकि और तो यहाँ कहाँ ही डालूंगी, पर यहाँ से खा लेते हैं। इनको पानी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी गर्मी इतनी है, ये लोग कहाँ ही जाएंगे पानी पीने। हालांकि यहाँ पे स्विमिंग पूल है, बट जो उस तरफ नहीं जाते हैं तो उनके लिए मैं यहाँ रख देती हूँ। और ये शाम, और ये मुझे ना नेक्स्ट डे तक खाली काफी मिलता है, तो मतलब ये पीते हैं। और अभी ये आया नहीं है यहाँ पे खाने के लिए, बट ये आएगा अभी, बस ये पानी रखे।
हमारा नाश्ता। चलो यहाँ से आपका सैंडविच आ गया, लो गुडू। देखो मैंने स्माइली बनाया, ओए ये हंस रहा है आपको देख के। आपने आलमंड्स नहीं खाए, एक और खा लो, ऐसे नहीं होता। टीवी नहीं दिख रहा, टीवी देख लो। फिर यश ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया, यश इसको भी खा लो बेटा। और यहाँ पे मेरा है ब्रेकफास्ट, ये अब मैं ना इसके अंदर वही है जो आपके आपके वाले में था, वही है, ठीक है। ये चाय है, अब मैं चाय विदाउट शुगर पीऊंगी। ओके रियाज नो शुगर। आपका कौन सा रिमोट? सियान जैसा क्यों चाहिए आपको रिमोट? क्यों रिमोट और ही नहीं, ये खराब हो गई। किसने बोला खराब हो गया है? ये खराब हो गया है। नहीं खराब नहीं हुआ है रियाज, बिल्कुल सही चल रहा है। तनिया आपको क्यों लगता है खराब है? मुझे न्यू रिमोट चाहिए। अच्छा आप कॉपी मत किया करो प्लीज, मुझे अच्छा लगता है। दादी को अच्छा लगेगा मेरा रिमोट, देखो कितना पुराना है। अच्छा पुराना हो गया अभी, ये एक मुक्का पड़ेगा। ये बिशुम बिशुम दूसरा टीवी ले ले अब। हे भगवान क्या क्या तो नया ले, क्या क्या तो और चीज ले। अच्छा पैसे कहाँ से आएंगे? हैं गुरु जी से आएंगे। ओले मेरा बेटा, जय गुरु जी बोल दो। ओले मेरी गुड्डू, गुड्डू तो सब कुछ पता है मेरे गुड्डू को। बेबी बस देख रहे हो, ये रियाज का चालू हो गया बेबी बस। बस ये देखता रहता है, हमें कुछ भी नहीं देखने देता रियाज। क्यों नहीं देखने देते? ये देखो क्या बेटा, दादी आ रही है अभी। रियाज ने कल से सुना है कि इसकी दादी आ रही है, तो रियाज बहुत हैप्पी है क्योंकि उसकी दादी अभी 2-2.5 महीने बाद आ रही है। ये प्लांट्स ना गर्मी में भी नहीं चलते हैं, सूख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, इनकी कटिंग करवानी पड़ेगी। क्या लिख रहे हो आप? स्मॉल ई बनाने आता है, इसको ढंग से बनाओ। पहले सी बनाओ स्मॉल, फिर ऐसे करके ई बना दो, है ना? ये ऐसे क्या बनाया, टेढ़े मेढ़े क्यों बनाया ये इतने? दिखाओ मेरे को यहाँ से, टेढ़े मेढ़े बनाया देखो आपने, ढंग से बनाओ। खड़ा हो यहाँ, पढ़ाई के मामले में ये नहीं चलेगा, ठीक है? हाँ बस पहुंचने वाली है ये अंदाड़न। क्या करोगे, नमस्ते करोगे और पैट्स हो गए, पैट्स हो गए, ठीक है पक्का? और मैं दादी को अच्छी खिलाऊंगी। हाँ ठीक है, दादी का तो व्रत है आज, व्रत है, फास्ट है। मैं खिला दूंगा, ला दोगे? दादी को अच्छी लगती है। यश करो 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 पैचो, रियान तब से ये पूछा दादी है ही दादी है।
पेस्ट्री, आज के लिए पेस्ट्री आई है। पेस्ट्री है, पेस्ट्री इसको बोलना था ना अंदर। तब उतारा उतरना पड़ता फिर तो। मैंने कभी लेके आ रही हूँ, हाँ तुझे पैसे दो या मत दो। नहीं आ जाते हैं अंदर तक, मैं तो अंदर ही। गुरु जी के चरण आए हैं, जय गुरु जी। और जल प्रसाद आया है, इसको मंदिर में रख दो, प्रेम करवाएंगे। चल इसको, हाँ इसको भी और चरण को भी ऐसे रखते हैं। जय गुरु जी, गुरु जी के चरण। ये जल प्रसाद है। गाइस, तो अब मैं आपको मिल रही हूँ शाम में, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ आई थी, तो फिर खाना तो उनका तो फास्ट था, तो फिर रियांश और मैंने अपने लिए खाना, मतलब मैंने खाना बनाया था और रियांश मैंने खाया, तो फिर मेरा ऑफिस का काम भी था तो वो सब निपटाया। सो अभी शाम का 6 बज चुका है, चाय हमने नहीं पी है। धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है, कितनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है, बहुत ही ज़्यादा। मीन्स अभी तो मतलब इस तरफ हमारे घर की, मतलब हमारे साइड जो हमारी गैलरी में धूप ना इस तरफ आती है 3 बजे के बाद, और 6 बजे इस वाली गैलरी में ड्राइंग रूम के, और अभी थोड़ा सा मेरे जो बेडरूम में की तरफ जो गैलरी है उस तरफ भी है। पसीना देखो कितना आ रहा है, पूछो मत। एसी चलाओ तो अच्छा लगता है, एसी ऑफ करो तो ऐसा लगता है कितनी गर्मी होगी, हमें एकदम से गर्म लगता है। तो वेदर पता नहीं कब जाके अच्छा सा होगा, थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाए, ताकि अगर हम पंखे में ही बैठे हैं तो हमें इतनी गर्म हवा ना लगे कि हमें यहाँ पे उतना पसीना आता है, गर्दन में इतना पसीना आ रहा है लिटरली। सो अभी मैंने जस्ट दूध ऑर्डर किया है, चाय अभी बनाई नहीं है तो चाय बनाऊंगी। ब्लिंकिट से दूध मंगाया है, क्योंकि दूध मैं यूजुअली 1 किलो ही मंगाती हूँ, तो आज थोड़ा मदर इन लॉ को भी दिया और थोड़ा सा रियांश ने भी आज एक्स्ट्रा पी लिया। तो दूध इतना नहीं है कि चाय बन जाओ, फिर रात को भी रियांश के लिए चाहिए, तो मैंने अभी ऑर्डर किया। और कुछ एक आध सामान मुझे और मंगाना था तो वो भी ऑर्डर किया है, तो आता है 8 मिनट में दिखा रहा पहुंच जाएगा। सो वो लेके, मतलब जब वो सामान आते हैं मैं चाय बनाऊंगी। और रियांश को कह रहा है कि मुझे स्विमिंग जाना है, क्योंकि यहाँ पे अभी सारे लोग, मतलब धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं। ये तो अडल्ट का है, इसके साथ वाला उस तरफ जो है वो बच्चों के लिए, तो वहाँ पर ही बच्चे आना चाह रहे थे। यूजली 6:30 के बाद ही बच्चे आते हैं, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है ना, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालते, और हवा भी नहीं चल रही, और हवा चलेगी तो फिर वो लू में कन्वर्ट रहती है, तो इसलिए। तो मैं अब क्या करूँगी, चाय बनाऊँगी एंड देन रियांश को थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँगी। सब्जी मैं आज देखती हूँ वो पड़े हुए हैं, क्या कहते हैं उसे, वो कहते हैं ना कुंदरू कहते हैं, परवल कहते हैं, वो सब्जी पड़ी हुई है तो उसको बनाती हूँ। मदर इन लॉ के लिए तो दही और पराठे रहेंगे, तो अपने लिए वो या फिर दाल, राहुल को दाल राइस खाने होंगे तो वो बना लूँगी, देखते हैं। अंदर चलते हैं, बहुत दूर है। क्या कर रहे हो रियांश, हैं किससे बात कर रहे हो? ठीक है आओ, ठीक है नहीं आओ, ये क्या होता है? ठीक है आ रही। कौन था? क्या बोल रहा था? धीरे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है मैं आपके बुला लूं। अच्छा अच्छा, आपने परमिशन दे दी रुद्र को बुलाने की? ठीक है। यहाँ मैं ले आई थी सब्जियाँ, सब्जियाँ खत्म हो गई थी, सब्जियाँ कुछ फ्रूट्स, और अब खाने में बनाएंगे हम दाल राइस। रियांश के लिए क्या है दिखाओ अपनी कार, फाइव कलर बताओ, चलो वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये वाला ब्लैक है और ये वाला ग्रे है, ठीक है। अब ब्लैक नहीं होता, ब्लैक होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेरी गुड, हाई फाइव। अब इसे लगाओ, चला रहे अब इसे लगाओ, क्यों जल्दी चलाने को निकालो,
Hey guys, so जैसे आपको पता है मेरे घर में आज गुरु जी के चरण आए हैं, सो उनके लिए हम भोग बना रहे हैं कड़ा प्रसाद। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही आटा लिया है, थोड़ी सी चीनी और उतना ही घी। ये मैं सेकेंड टाइम बना रही हूँ, सो आप लोग को दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। कड़ा प्रसाद आप जैसा भी बनाओ ना और जिस टाइम भी बनाओ बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये है मेरा आज का खाना, राइस दाल और थोड़ी सी दही। रियाज ने खाना खा लिया है, राहुल को दे दिया है, मदर इन लॉ खा रही है। सो आज का मेरा ये ब्लॉग यहीं तक का था, आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। सो गाइस प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।